स्टार्टिंग पॉइंट बेटा, आज डिस्कशन शुरू होगी एक वर्ड से, बैंक ओवर ड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवर ड्राफ्ट अगर पहले आप समझे, बोर्ड क्या विजन सही आ रहा है आप लोगों को, देख लीजिए बता दीजिएगा जरा कि सही देख पा रहे हैं। बैंक ओवर ड्राफ्ट सही है। हाँ भाई, आवाज वगैरह सब सेट है ना, चलता रहूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैसेज कौन कर रहा है, तुम लोग में से तो कोई नहीं कर रहा। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, सबसे पहले सब लोग समझ लें कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। देखें, बैंक वाले नॉर्मल हालात में हमारा पैसा बैंक में मौजूद होता है, लेकिन बिजनेस नाम है इस चीज का कि उसमें जो सही रियल बिजनेसमैन होता है उसका पैसा कभी भी बेकार पड़ा हुआ नहीं रहता, उसका पैसा हमेशा रोलिंग में होता है। रोलिंग में होने का मतलब यह है कि पैसे को वो इस्तेमाल करता है पैसा कमाने के लिए। यानी आज उसके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं, लेकिन हो सकता है कि दो दिन बाद वो तमाम पैसा वो किसी चीज के ऊपर इन्वेस्ट कर दे और उसके पास पैसे ना हो। तो मकसद ये कहने का कि आज हमारे पास पैसा, बिजनेसमैन का पैसा मुसलसल जो है वो रोल होता रहता है। एक दफा कमाने में इन्वेस्ट होता है, फिर वो रिटर्न करता है, फिर इन्वेस्ट होता है, फिर रिटर्न करता है। तो बाज दफा ऐसा होता है कि उसके अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं होते और उसको किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। यानी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मुझे मार्केट में लेट्स सपोज के 50,000 फौरी तौर पे कोई माल आया हुआ है, जो 50,000 का मैं उठा लूं तो उससे मैं कल को 70-80,000 रुपए कमा सकता हूं। अब सोचेंगे 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में मौजूद नहीं है, तो मैं कैसे उस पैसे को के उस 50,000 को अरेंज करने के लिए क्या गली गली दोस्तों के दरवाजे खटखटाते फिर मुझे 50,000 रुपए दे दो। तो ऐसे मौके पर मदद करने के लिए बैंक आगे आता है और बिजनेसमैन को वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने अकाउंट के अगेंस्ट लोन हासिल करने की, और उस फैसिलिटी को नाम देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ में आया क्या कहा, कि अपने बैंक अकाउंट के अगेंस्ट हमें लोन लेने की जो फैसिलिटी होती है उस फैसिलिटी को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। अब यानी मिसाल के तौर पे मेरे बैंक अकाउंट में अगर पैसे मौजूद थे लेट सपोज 20,000, आम हालत में अगर 20,000 रुपए मेरे बैंक में बैलेंस मौजूद है और अगर मैं 50,000 का चेक किसी को दे दूं तो वो चेक बैंक कैश नहीं करेगा, डिसऑनर्ड कर देगा, बाउंस कर देगा। लेकिन अगर मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मौजूद है और उस फैसिलिटी के तहत बैंक ने मुझे कहा हुआ है कि अगर कभी आपको जरूरत हो तो आप एक्स्ट्रा 50,000 रुपए तक पैसे निकलवा सकते हैं, तो होगा क्या कि जब मैं चेक 50,000 दूंगा तो बैंक 20,000 तो मेरे और 30,000 अपनी तरफ से दे देगा और ये 50,000 का चेक डिसऑनर नहीं करेगा, क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। अब जो ये 30,000 एक्स्ट्रा पे हुए, ये 30,000 दरअसल मेरे ऊपर क्या कहलाएंगे, मेरे लिए एक तरह का कर्ज है, लोन है, यानी वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो पहली बात बताइए, समझ में आया बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जी अर्जुन, इसकी नेचर हमारे लिए लाइबिलिटी होती है क्योंकि ये हमें कल को वापस करना होता है और जब भी पैसा आता है बैंक वो पैसा हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। आप सही कह रही है, लाइबिलिटी नेचर होती है इसकी। और बोलिए, और कोई सवाल? ठीक है, अच्छा अब ये तो बात समझ में आ गई कि अच्छा ये बैंक ओवरड्राफ्ट ये होता है। अब बैंक रिकंसिलिएशन में इसका क्या रोल है और ये किस तरह आएगा, इसको अच्छी तरह मेमोराइज करो। लाजमी सी बात है कि हमने जैसे अभी कहा कि आपके पास पैसे 20,000 थे, मिसाल दे रहा हूं सिर्फ ये ध्यान में रखना, और आपने जनाब 50,000 का चेक दिया, 30,000 रुपए उसने बैंक में, 20,000 आपके और 30,000 आपने पे कर दिए। अब फैसिलिटी मुझे मिली है 50,000 की, लेकिन अभी मैंने एक्स्ट्रा कितने पैसे निकाले हैं, 30,000। याद रखो कि फैसिलिटी से मुराद ये है कि हर बिजनेसमैन को उसकी वर्थ के हिसाब से बैंक देता है। यानी अगर छोटा बिजनेसमैन है तो उसको छोटे लोन की फैसिलिटी होगी, बड़ा बिजनेसमैन है
उसको बड़ा बड़े लोन की फैसिलिटी हासिल होगी। जैसे आप समझ सकते हैं क्रेडिट कार्ड होता है तो क्रेडिट कार्ड के लिए क्या होती है, लिमिट होती है, समझते हैं ना, उससे ज्यादा पैसे हम नहीं निकलवा सकते। इसी तरह ओवरड्राफ्ट के लिए क्या होती है, लिमिट होती है, जो बंदे बंदे पर डिपेंड करता है उसके हिसाब से वो सैंक्शन करते हैं बैंक वाले। अब हमारे बैंक रिकंसिलिएशन क्वेश्चन में आज क्या होने वाला है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि दो बैलेंसेज होते थे, एक बैलेंस किसका होता था, कैश बुक का, और दूसरा किसका होता था, बैंक स्टेटमेंट का। याद रखना कि नॉर्मल हालत में बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का बैलेंस, आपको याद ये रखना है कि हमेशा कैश बुक का बैलेंस डेबिट साइड पर होना चाहिए और बैंक का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है जब हमारे पैसे बैंक में हैं तो हमारे लिए वो पैसे क्या हैं, एसेट्स हैं, और बैंक के लिए वो पैसे क्या हैं, लायबिलिटीज हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पैसे बैंक के पास हैं और मैं जब चाहूं बैंक से मांग सकता हूं और बैंक वाले उसको मुझे देने के पाबंद हैं। बोलो पहली बात समझ में आई कि मेरे पैसे मैं जो बैंक में मौजूद हैं मेरे लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, एसेट्स हैं, और उनका बैलेंस नॉर्मल हमेशा क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। ठीक है मैम, जब वो पढ़ा था आपका, और बैंक का बैलेंस या बैंक वालों के लिए हमारे पैसे हमेशा क्या है, लायबिलिटी है, वो क्रेडिट में होंगे। ठीक है, लेकिन और इसी वजह से, बल्कि आगे जाने से पहले, इसी वजह से मैं ब्लू से लिख रहा हूं, आपको याद है हम अक्सर कहते थे कि बैंक जब क्रेडिट करे तो प्लस कर दो, क्योंकि हमें मालूम होता है कि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और बैंक अगर डेबिट करे तो क्या कर दो, माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि बैंक अगर हमें कम करता है तो माइनस कर दो, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है। अच्छा खैर, ये अभी बाद में मजीद बात कर लेता हूँ वापस। अब लेकिन असल सिचुएशन, अगर कभी सिचुएशन ये हो जाए कि जो अभी मैंने मिसाल दी कि बजाय इसके कि मेरे पैसे बैंक में थे मैंने बैंक से एक्स्ट्रा निकलवाया हुआ है, तो उस सिचुएशन में हमेशा ये होगा रूल कि हमारा बैलेंस बैंक का बैलेंस क्रेडिट के बजाय डेबिट में, और हमारा बैलेंस डेबिट के बजाय किस में शो होगा, क्रेडिट में शो होगा। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये सिचुएशन है ओवरड्राफ्ट, यानी हमने बैंक से ज्यादा पैसे निकलवाए हुए हैं। पहली बात, अब ये बोलो यहां तक पॉइंट बताओ मुझे पहले समझ में आया कि कब सिचुएशन ओवरड्राफ्ट है और हम कैसे पहचानेंगे ओवरड्राफ्ट है। नॉर्मल हालत में नॉर्मल बैलेंसेस हमेशा कैश बुक का डेबिट होगा, बैंक का हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, और अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो कैश बुक का क्रेडिट होगा और बैंक का डेबिट होगा। ये मेमोरी में बैठा लीजिए, बताइए, जवाब दीजिए मुझे, समझ में आई बात। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, अर्जुन मैं रिपीट कर रहा हूं, सब लोग सुनो, फिर से सुन लो। आपको नॉर्मल हालत में, नॉर्मल हालत का मतलब जब मेरे पैसे बैंक में, यानी ये नॉर्मल हालत है, अमूमन हाँ कंपनी के पैसे बैंक में रखे होते हैं, उस सूरत में कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट शो हो रहा होगा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट शो हो रहा होगा। तो जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही करिएगा। लेकिन ओवरड्राफ्ट होगा तो क्या होगा, उलट होगा, कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, और बैंक का बैलेंस जो है वो क्या होगा, डेबिट होगा। बोलो आगे बात पहली समझ में। अब अगली बात, आखिर हमें करना क्या होगा अगर ओवरड्राफ्ट हो तो अगर सिचुएशन में कभी ओवरड्राफ्ट आ जाए तो करना क्या है कि जब आप बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करते थे तो आपको मालूम है कि आप एक कॉलम बनाते थे कैश बुक का और एक कॉलम बनाते थे किसका, बैंक स्टेटमेंट का। जो भी, ओहो बहुत ऊपर हो गया, सॉरी थोड़ा सा नीचे करता हूं। एक बार कॉलम बनाते थे कैश बुक का, हमारा सही, और एक कॉलम बनाते थे बैंक स्टेटमेंट का। तो जो भी बैलेंस लिखेंगे अगर ओवरड्राफ्ट है तो उस बैलेंस को माइनस साइन के साथ लिखेंगे, लेकिन अकाउंटिंग में माइनस साइन को हम ब्रैकेट में शो करते हैं। यानी अगर ओवरड्राफ्ट सिचुएशन होगी तो हम जो अनएडजस्टेड बैलेंस प्लेस करेंगे वो अनएडजस्टेड बैलेंस हमेशा नेगेटिव में शो करेंगे क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। बताइए, दोनों बातें समझ में आई मेरी आप लोगों को? पहली बात
क्वेश्चन में समझना कब ओवरड्राफ्ट है या नहीं, दूसरी बात करना क्या है उसका। अगर थोड़ी सी बात समझ में आ गई तो अब मैं एक क्वेश्चन को उठाता हूँ, उस क्वेश्चन से लेकर चलता हूँ। बोलिए जवाब दीजिए, मैं जरा आपकी रिप्लाई पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आगे सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। वैसे है कौन कौन आज, सारे लोग हैं मौजूद, 10 ही पार्टिसिपेंट है अभी। जोहेब, शायान, आप लोगों को समझ में आया बेटा? एक नया शायान फैयाज है शायद। अच्छा जी, ठीक है, शायान को समझ में आ गया। मुस्कान, ओके। अब चलो, अब समझो कि पेपर में कैसे आता है, ठीक है ना। निकालो, अपने सामने रखो अपने हैंडआउट के जो नोट्स है आपके पास, उसका क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो, एक दफा में पहले सबको समझ लो, ठीक है। मैं 19, 20, 21, 22 सबकी एक दफा में पहले बात कर रहा हूं। इन सबको पहले एक दफा में समझिएगा और हर पॉइंट को जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 में ये बात इस तरह आई कि आई स्टडी ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम एंड द बैंक स्टेटमेंट ऑफ जे ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च रिवील द फॉलोइंग। पहला पॉइंट, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 12,000। अब ये बताओ, कैश बुक का बैलेंस क्या बता रहा है वो? डेबिट। हमारे हिसाब से तो इसका मतलब है कि कैश बुक का बैलेंस डेबिट है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या बैंक से पैसा हमने लिया है? नहीं, हमारे हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि हमारे पैसे 12,000 रुपए बैंक में मौजूद हैं। ओके, हमारे पैसे 12,000 क्यों? क्योंकि कैश बुक का बैलेंस क्या है? डेबिट है। यानी जब मैं यहां पर अनएडजस्टेड बैलेंस 12,000 है ना लिखूंगा, तो मैं इसको नेगेटिव नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पैसे ओवरड्राफ्ट, हम नहीं कह रहे कि पैसे ओवरड्राफ्ट है। क्लियर? जल्दी से एक जवाब दो, चैप्टर नंबर बता दे। शायान फयाज, बेटा ये आप शायद पहली क्लास ले रहे बेटा, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्ट किया हुआ बेटा हम लोगों ने, ठीक है। अब मजीद मुझे अपना नंबर, मैं अभी नंबर लिख दूंगा, अगर तुम नया स्टूडेंट हो तो नंबर मेरा नोट करके मुझे मैसेज करना, फिर मैं तुम्हें तफसील से समझाता हूँ कि हम क्या करना है आपने, और पिछले लेक्चर्स ले लेना। खैर, अभी वापस आ रहा हूँ अपनी बात पर। हाँ ठीक है शायान, मुझसे अभी फोन नंबर पर बात कर लेना, फिर मैं बात करता हूँ तुमसे। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वो ये है, सेकंड लाइन ये है, बैलेंसेस एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट 24। यानी अब बैंक भी अगर कहता कि क्रेडिट है तो सही होता, लेकिन बैंक कह रहा है कि डेबिट बैलेंस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट। अच्छा, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है अगर ओवरड्राफ्ट, तो एक बात समझ ही लीजिए कि ये आप पे एहसान किया जा रहा है कि लिख दे रहे। ये लिखने की अब जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि ये डेबिट बैलेंस है, और आपको मालूम होना चाहिए कि बैंक का डेबिट नहीं होना चाहिए, बैंक का क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। अगर डेबिट है तो ओवर, यानी अब अगर मैं यहां बैंक का बैलेंस लिखूंगा तो बैंक का बैलेंस 24,000 है, और ये सिचुएशन ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट की फिगर जब भी प्लेस की जाएगी वो किसमें प्लेस की जाएगी? माइनस के साइन के साथ। और अकाउंटिंग में जब हम माइनस साइन प्लेस करते हैं तो उसके साथ लगाते हैं ब्रैकेट, जैसा कि मैंने ये लगाया है। अच्छा ठीक है, अब मैं भी नहीं पूछ रहा, रिप्लाई नहीं पूछ रहा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, अभी एक बात समझ में। लेकिन अब यहाँ ये बात समझ में आई कि अच्छा, एक का डेबिट है यानी कैश बुक का पॉजिटिव है, बैंक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट है। तो अब यही वाली चीज को छोड़ के फौरन जरा सा आगे बढ़ो और क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22, जी क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप नोट करें तो देखें क्या लिखा हुआ है। एम ट्रेडर वाला सवाल जो है, पहला पॉइंट, कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट है और बैंक का बैलेंस डेबिट है। अब क्या समझ में आना चाहिए? इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर 22 में कैश बुक भी मान रही है इस बात को कि ओवरड्राफ्ट है, और बैंक वाले भी कह रहे हैं कि ओवरड्राफ्ट है। तो दोनों बैलेंसेस जब लिखे जाएंगे तो वो ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर, या सोच सकते हैं कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्या? देखो बेटा, बड़ा सीधा सा सवाल है। बाज वक्त ये कोई एक दिन की बात नहीं ना, मुसलसल पैसे जमा हो रहे हैं, निकाल रहे हैं, जमा हो रहे हैं, निकाल रहे हैं, जमा हो रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो
अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली भी होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि खुद ब खुद पैसे आते जाते हैं, निकलते जाते हैं, आते हैं, हमारे हिसाब और बैंक के हिसाब में फर्क है। अब वो फर्क कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये समझना है कि जिस तरह की सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से आपने प्लेस करना, और उसके लिए सबसे बेहतरीन या सबसे ज्यादा आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कब सिचुएशन ओवरड्राफ्ट है, कब सिचुएशन ओवरड्राफ्ट नहीं है। इस चीज को याद कर लीजिए और इतना समझ लीजिए कि जब ओवरड्राफ्ट है उस फिगर को ब्रैकेट में लिखना है। बोलिए, चलूं आगे या मजीद एक्सप्लेन करूं? इस कमरे में हवा आती है लेकिन बहुत गर्मी हो जाती है बाद। हाँ, जवाब दो, नहीं रिप्लाई दो बेटा, आ गया समझ में? अच्छा, अब इसके बाद नीचे चले, ठीक है। अब इसके बाद इस सवाल में कोई और अमल दखल नहीं है, यानी क्या मतलब? ये नहीं है कि अब इसके बाद कोई और चीज चेंज हो जाएगी, बस आखिर में टोटल करते वक्त, आप लोग तो वैसे भी ज्यादातर बच्चे साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसको माइनस साइन के साथ कीजिएगा। मतलब वापस इसी क्वेश्चन नंबर 19 पे ही आ जाता हूं मैं, और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 को तेजी के साथ जरा सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ा आसान सा रखा था। देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक। हम जानते हैं कि अनप्रेजेंटेड चेक क्या होते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक लेस होते हैं कहां से, बैंक स्टेटमेंट से। कितना? 2000 लेस हो जाएगा। अब याद रहे अनप्रेजेंटेड चेक को क्या क्या कहते थे, अनप्रेजेंटेड चेक, अनपेड चेक, अक्रूड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, ये चार नाम याद होने चाहिए। फिर चौथा पॉइंट, बैंक कलेक्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज 2500 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या है जी, ये है कलेक्शन ऑफ बिल, ठीक है ना। अगर चाहे तो आप इस तरह लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। किसको याद है, अगर भूल गए हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने बताया था ना, बिल ऑफ एक्सचेंज यूं समझना है, ये जो आपको बताया था, एक होता है बिल्स रिसीवेबल जिसने पैसे लेने हैं, और दूसरा होता है बिल जिसने देने होते हैं उसके लिए क्या होता है, बिल्स पेबल। इसी तरह प्रोमिसरी नोट, एक जगह है आप नजर आ रहा है बोर्ड, इसी तरह क्या होता है, प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट्स में भी एक होगा नोट्स रिसीवेबल और दूसरा होगा नोट्स पेबल, ठीक है। यानी ये एक अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल है, लेकिन रिटर्न में है। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल जबानी होता है, मुंह से बाहर, और बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट क्या होते हैं, रिटर्न होते हैं। तो जब हम कलेक्शन कर रहे हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज तो कौन सी चीज की कलेक्शन होगी, बिल पेबल की कलेक्शन तो नहीं होगी, किसकी होगी, बिल रिसीवेबल। अगर चाहे तो पूरा लिख दीजिए और कैशबुक में इसको प्लस कर दीजिए, कितने से, 2500 से। फिर आगे चलते हैं जल्दी से, पांचवा पॉइंट, चेक इशूड फॉर पेमेंट बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन 500 यानी के कैश बुक में ऑर्डरिंग लादेड। तो क्या हुआ था, चौक चेक इशू हुआ था, कितने का, 1500 का, 1500 का चेक इशू हुआ, ज्यादा अमाउंट पे हुई और कम रिकॉर्ड हुई। पेमेंट की क्या है, ओवर रिकॉर्डिंग या अंडर रिकॉर्डिंग, तो पेमेंट की है ये अंडर रिकॉर्डिंग। थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्लस माइनस नजर नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इधर कर दूं, हाँ। तो पेमेंट की अंडर रिकॉर्डिंग है कि ओवर रिकॉर्डिंग, आप बताएंगे आप लोग क्या होगा, ये ऐड होगा कि लेस होगा। हाँ भाई, चेक इशूड 1500, जल्दी से देखें कौन रिप्लाई करता है, कैश बुक में प्लस होगा माइनस होगा, ये चेक इशूड ऐड होगा, कौन बोल रहा है, ये जोहेब, जोहेब इसका मतलब है, देखो बेटा माइनस होगा, अर्जुन कह रही है। देखो जोहेब, एक बात मेरी सुन लो बेटा, यही वो पॉइंट है और यही वाला वो पॉइंट है जो बार 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 गलत करते हैं बच्चे। बेटा समझ लो, फिर पूछ लो, फिर पूछ लो, फिर पूछ लो मुझसे। मैंने बार बार कहा है, मुझे व्हाट्सएप कर दो जिस वक्त मौका होगा कि ये सर ये वाला पॉइंट है, मैं आपको समझा के दूंगा। मैं देखो फिर मैं दोहरा देता हूँ तुम्हारे लिए, माइनस होगा ये, क्यों माइनस होगा बेटा, हाँ मुस्कान शाबाश माइनस होगा, क्यों पता है, तुमने किसी को 1500 रुपए पे किए, ओके 1500 रुपए अगर तुम पे कर रहे हो तो तुम्हारे अकाउंट में कमी 1500 की होनी चाहिए,
पैसे तुम्हारे पास से 1500 कम होने चाहिए, लेकिन जब तुमने वहां से -500 लिखे तो तुमने सिर्फ 500 कम किए हैं, मजीद पैसे तुम्हारे बैंक से क्या होंगे, कम होंगे। तो यहां लिखेंगे माइनस क्या, अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट। और फिर मैं दोहरा दूं कि अगर नहीं है तो इसको मैं फिर एक दूंगा, तुम्हें पूरा मुझे सिर्फ बताओ कि कहां पे फंस रहे हो, यानी इन दोनों का फर्क, ताकि मैं एक वीडियो दूं तुम्हें और उसको तुम समझ के। दो तरीके हैं इसके, एक थोड़ा रट्टे वाला तरीका है और एक समझने वाला है, दोनों तरीके से समझाता हूं। ठीक है सुहेब, बताना मुझे मेरी याद से कि 3-4 पॉइंट पढ़ो। अच्छा देखो एक बात मैं और बताऊं, इस तरह की चीजों को अगर समझने बैठोगे ना तो हर सवाल में एक दो दफा आते हैं। एक काम ये करो, देखो मैंने इस बुक की सोल्यूशन सारा दिया हुआ है ना, नेट के ऊपर सारा सोल्यूशन दिया हुआ है। एक काम करो, इसको अगर समझना है और एक सिटिंग में करना है तो पिछले सेक्शंस में हर सवाल में से सिर्फ ये वाले पॉइंट उठाओ, हर क्वेश्चन में से ये वाले पॉइंट उठाओ, कौन से वाले, एरर वाले, और उनको रफली सॉल्व करो अपने पास, और फिर वेब पे जाकर जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया है उस सोल्यूशन में से चेक करो, और फिर देखो कि तुम्हें गलत कहां कहां कर रहे हो और तुमसे क्या गलती हो रही है, मुझे बताओ, फिर मैं तुमको सही करूंगा। समझ गए, याद से आज ट्राई करो बैठ के, पीछे के जितने क्वेश्चन में ये आया, ओवर रिकॉर्डिंग अंडर रिकॉर्डिंग, सुकून से बैठ के एक निश्चित में करो, उसके बाद मुझे बताओ। चलो जल्दी से आगे चलते हैं। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट वाज नॉट क्लियर्ड, जो चेक क्लियर नहीं हुआ उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या कहेंगे, अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर्ड चेक कहां ऐड होता है, बैंक स्टेटमेंट में। अब याद होना चाहिए पीछे लिस्ट दी हुई है अनक्लियर्ड चेक्स के, कौन कौन से नाम है, अनक्लियर्ड, अनक्रेडिटेड, अनरिकॉर्डेड। अच्छा फिर है कस्टमर चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट रिटर्न डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड चेक हमेशा लेस होता है, कहां से, कैश बुक से, क्योंकि ये चेक पैसे आए नहीं होते। फिर लास्ट डे की डिपॉजिट है 31st मार्च, अब ये बार बार डिस्कस किया है, इसको क्या कहते हैं, लेट डिपॉजिट, और लेट डिपॉजिट हमेशा बैंक में ऐड किया जाएगा 8,350। फिर बैंक सर्विस चार्जेस लेस कर दो, बैंक चार्जेस के नाम से 150 रुपए, कहां से, कैश बुक से। और लास्ट पॉइंट है चेक डिपॉजिट हुआ है 2,200 लेकिन क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट किया है सिर्फ 200, तो ये गलती बैंक की है। अब प्लस होगा क्योंकि डिपॉजिट की बात है, इसको हम कहेंगे अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ डिपॉजिट, और दोनों का डिफरेंस बनता है, मैंने बहुत सादा सा रखा था ताकि सीधी सीधी फिगर रखी थी ताकि किसी किस्म की अभी समझाते हुए मुझे और आपको दुश्वारी ना हो समझने में। अब उठाइए कैलकुलेटर और टोटल कीजिए, टोटल करते हुए बस आप सबको ख्याल रखना है, ये माइनस साइन इसमें पहले प्लेस कर दिएगा, समझ गए। तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर है तो बड़े आराम से काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास साइंटिफिक नहीं है और वो एक नॉर्मल कैलकुलेटर से कर रहा है, यानी जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर होता है जिसमें माइनस साइन पहले लगाने का ऑप्शन नहीं होता, अगर वो कर रहे हैं तो उनके लिए तरीकेकार ये होता है कि वो क्या करें, पहले सारे पॉजिटिव ऐड कर लें और फिर सारे नेगेटिव उसमें से माइनस कर दें। चेक करें, जल्दी से चेक करें, बताएं कितना आ रहा है, वही आ रहा है जो लिखा हुआ था, यानी 11,350 डन है। मगर सब लोग टोटल जरूर कीजिएगा, बैंक बैलेंस नेगेटिव कोई नहीं आ रहा होगा, अंजुमन माइनस में क्यों लिख रही हो, दोनों का बैलेंस पॉजिटिव आ रहा होगा, क्योंकि देखो ना अगर तुम नोट करो ये 24,000 नेगेटिव, ये 2,000 नेगेटिव, तो 24 और 2 नेगेटिव कितने हो गए, 26, 26,000 में से 27,000 पॉजिटिव माइनस करो तो 1,000 पॉजिटिव आया, उसके सारे पॉजिटिव है, तो ऐड कर लो तुम, तुम्हारे पास तकरीबन दोनों यानी पॉजिटिव फिगर आएगी, माइनस फिगर कहीं अभी नहीं आ रही है, किसी उसमें दोनों में नहीं आ रही है, दोनों में पॉजिटिव है। यानी हो ये रहा है कि बैंक जो कह रहा था कि हमारा ओवरड्राफ्ट है वो गलत कह रहा है, क्यों, क्योंकि अभी तक ये चेक बहुत बड़ा अमाउंट है जो क्लियर नहीं हुआ है, जैसे ही क्लियर होगा हमारे पैसे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना।
अगर आप देखो सब लोग तकरीबन साइंटिफिक थोड़ा सा सही चेक करना उसको। चलो जल्दी से देखो, अब अगला एक और करा रहा हूं और अब इसके बाद ऐसा करेंगे कि अगली क्लासेस में एक काम करते हैं, आप लोगों ने पास्ट ईयर पेपर सॉल्व किए कुछ? क्योंकि तसल्ली तो हमें जब ही होती है ना जब हम माजी के पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें, तो जरा एक तसल्ली और बड़ा तसल्ला हो जाता है, ओहो पेपर का सॉल्व कर लिया। ऐसा करते हैं कि कल दो चार जो मुश्किल सवालात होंगे फाइव ईयर के वो व्हाट्सएप पे शेयर करो, ताकि जिनके पास फाइव ईयर अभी नहीं है, जिन लोगों के पास मेरे पास मौजूद है मैं भी शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले तुम लोगों से चाह रहा हूं कि जिनके पास हैं अगर वो लोग शेयर करें कि सर ये वाला सवाल करें, तो कल हम वही वाला सवाल क्वेश्चन में करेंगे जो सवाल आप देंगे, ठीक है? तो फाइव ईयर का क्वेश्चन निकाल के शेयर कीजिए, कल करेंगे हम लोग उन क्वेश्चन को, ठीक है? अब जल्दी से मैं पता है इसके बाद करवाना चाह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन नंबर 20 और 21 खुद से करना, ठीक है? ट्राई करना इसको, और जो पॉइंट नहीं आए मुझसे पूछ लेना, मैं बताता जाऊंगा। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22, वैसे ही दो बैलेंस है, कितना जगह कितनी है यार मेरे पास, यहां तक जा सकता हूं। ये बैंक स्टेटमेंट और ये कैश बुक, ठीक है? नजर आ रहा है, सही चलेगा? हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो अनएडजस्टेड बैलेंस है क्या था? कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट है। हमने क्या कहा? कैश बुक का बैलेंस डेबिट होगा तो पॉजिटिव है, क्रेडिट है तो नेगेटिव। यानी हम भी मान रहे हैं कि हमारा बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, लेकिन हम कह रहे हैं ओवरड्राफ्ट कितने से है? 8,300 से। जबकि बैंक वालों ने भी भेजा हमें स्टेटमेंट, वो भी डेबिट शो कर रहा है। बैंक का क्या शो करना चाहिए था? क्रेडिट, लेकिन वो शो कर रहा है डेबिट। वो भी कह रहे हैं ओवरड्राफ्ट है, मगर वो कह रहे हैं कि जी आपका ओवरड्राफ्ट है 16,600। तो अब नोट करो इसमें ऐसा नहीं था, क्यों? क्योंकि उसमें हमारे हिसाब से ओवरड्राफ्ट नहीं था कैशबुक के हिसाब से। बोलो ये पॉइंट आप सबको समझ में आया? एक जो रिप्लाई डाल दीजिए सब लोग, इसमें क्यों लिखा दोनों क्रेडिट में, वहां क्यों नहीं लिखा, इसकी वजह समझ में आ गई? चले थैंक यू मुस्कान। हाँ भाई चलते हैं, मुस्कान ने कह दिया, अब इसके बाद मुस्कुराने के अलावा क्या चाह रहा है ना। हाँ अर्जुन का भी आ गया, वाओ गुड। बाकी बॉयज और बाकी जो गायब गायब है, रुबाब साहिबा ने आज कोई जवाब नहीं दिया है, ठीक है ना? चले जी पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? अ चेक रिटर्न बाय बैंक एनएसएफ, क्या था एनएसएफ याद है? एनएसएफ है नॉट सफिशिएंट फंड, डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड चेक क्या होगा? माइनस होगा। कहां से माइनस होगा? डिसऑनर्ड चेक कैश बुक से माइनस कर दो, 1,500। उसके बाद अ चेक वाज लेट डिपॉजिट, लेट डिपॉजिट क्या होता है? प्लस होता है, लेट डिपॉजिट 12,000 बैंक स्टेटमेंट में प्लस कर दीजिए। उसके बाद बैंक कलेक्टेड नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट ऑन फर्म्स बिहाफ, अब देखो वहां बिल ऑफ एक्सचेंज था, यहाँ नोट है प्रॉमिसरी नोट नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन अभी अगर नहीं है तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अभी से याद रखिए कि कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, प्लस कर देंगे कलेक्शन ऑफ नोट, और कितना? 3,000। फिर बैंक डेबिट मार्कअप, मार्कअप इंटरेस्ट प्रॉफिट, लाजमी सी बात है यार ओवरड्राफ्ट है तो बैंक तो माइनस करेगा ना मार्कअप, तो मार्कअप यानी कि इंटरेस्ट दूसरा नाम है मार्कअप, डेबिटेड यानी चार्ज किया, कितना चार्ज किया? 200 रुपए कैशबुक से माइनस। फिर अनपेड चेक्स वो चेक्स जो पे नहीं हुए, ये दूसरा नाम है किसका? अनप्रेजेंटेड का, माइनस कर दीजिए अनपेड चेक्स, यानी हमने चेक इशू कर दिए लेकिन बैंक से वो चेक अभी पे नहीं हुए हैं,
2500 बैंक से माइनस कर दीजिए। फिर अ चेक डिपॉजिट इनटू बैंक 10,500 बट अर्नेस्टली रिकॉर्डेड बाय बैंक 500। डिपॉजिट वाला आसान होता है, कितने का चेक डिपॉजिट हुआ 10,500, बैंक ने कितना रिकॉर्ड किया सिर्फ 500, तो क्या होगा ये ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि डिपॉजिट बैंक ने कम रिकॉर्ड किया है। क्या लिखेंगे, अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ डिपॉजिट कितने से 10,000 से, क्योंकि गलती बैंक की है, बैंक में 10,000 ऐड कर दो। उसके बाद अनक्लियर्ड चेक, अनक्लियर्ड चेक प्लस हो जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट में 8,100 और आ चेक इशूड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर 20,000 बट एरोनेसली रिकॉर्डेड इन बैंक 2,000। अगेन गलती किसकी है, बैंक की, मगर अब डिपॉजिट की नहीं है, आने की नहीं है, जाने की है, पेमेंट की है। कितने की पेमेंट थी 20,000, कितना कम करना था 20,000, कितना कम किया 2,000, किसने, बैंक ने, तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्या कहेंगे अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट, याद रहे अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट। अच्छा, और जैसा कि उसने लिखा है अपने अभी समझ के लिए किस चीज की पेमेंट हो रही है, तो ऐसी समझने के लिए कि भाई अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की पेमेंट थी खरीदने की जिसको कम रिकॉर्ड किया, कितना 20,000 और 2,000 का डिफरेंस कितना बनता है 18,000 बनता है, मेरे पास कैलकुलेटर वगैरह नहीं और मैथ तो मुझे आती नहीं है, सही कहा ना मैंने 18,000। अब उठाओ कैलकुलेटर, करो जल्दी से इसको सॉल्व करो, कितना आता है, हाँ भाई कोई जवाब दे रहा है, टोटल कर रहे हैं, यही आ रहा है जो लिखा था। हाँ अर्जुमन 7,000 है, लेकिन 7,000 को अब तुम माइनस में लिखोगे क्योंकि तुम्हारे कैलकुलेटर में अब माइनस आया होगा, अगर तुम चेक करो देखो ना, ये 8,300 1,500 माइनस 200 माइनस, ज्यादा फिगर माइनस में है, सिर्फ 3,000 है जो पॉजिटिव फिगर के तौर पे मौजूद है। तो आपके पास सिचुएशन 7,000 तो आया लेकिन कैलकुलेटर में 7,000 दोनों जगह ओवरड्राफ्ट आना चाहिए, यानी हुआ क्या, यहां पे हम कह रहे थे हमारा 12,000 बैंक में है, बैंक वाले कह रहे थे आपका ओवरड्राफ्ट है 24,000। जब हमने सारा रिकनसाइल किया, सारी चीजों को मैच किया, तो हमारा बैलेंस या और उनका बैलेंस दोनों एक दूसरे का पॉजिटिव हो गया, यानी हमारे पैसे बैंक में निकल आए लेकिन 11,350। मगर वहां पे ये हुआ कि ओवरड्राफ्ट निकला, मगर ओवरड्राफ्ट कितना 7,000। बोले प्लस माइनस करना आया, सही है, जल्दी से सब लोग बताएं मुझे जवाब दें, ठीक है, अब अगर ये सब चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है ना, तो अब आप लोगों का काम क्या है, अब देखें काम तो आप लोगों ने पता नहीं किया या नहीं किया, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 20, 21 और सबसे स्पेसिफिक क्वेश्चन है 23, ठीक है, और 24 अगले पेज पे इस सेक्शन के, यानी इस सेक्शन के ये चार क्वेश्चन 20, 21, 22
20 तो करा दिया, सॉरी 23 और 24, ये चार क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। कब तक आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं? चीटिंग नहीं करनी है, खुद से करना है, वेबसाइट से अभी चेक नहीं करना है। कितना टाइम लेंगे आप लोग उसको मुझे दिखा, मुझे व्हाट्सएप करने में कितना टाइम दूं? कितना बज रहा है अभी? कोई तो बताए या मैं ही टाइम बता दूं फिर? उफ 12 बजे तक। क्यों भाई शायान, तूने रोटियां बनानी है घर जाके या नेट से हटके? जिसके बाद 12 बजे तक थोड़ा सा कम कर ले यार। हाँ एक दूसरा शायान फैज, जो नंबर नंबर ये है बेटा मेरा, मुझे तुम मैसेज करना, बताता हूँ मैं, ठीक है? अब ये है कि अल्लाह से दुआ करो। अबे यार ये ऊपर ऊपर लिख दिया बहुत ज्यादा मैंने, कि जल्द से जल्द ये खत्म हो। एक दिन मैं क्लास जरा फिजिकली आप लोगों को बुलाऊं यहाँ पे, और फिजिकली आप लोगों के साथ जरा दो चार मुलाकात हो सबके साथ, ताकि सबको जरा मैं सही से एक दो क्लास आपकी सामने आमने हो मेरे, ताकि जरा एक टेम्पो बने, मजा आए पढ़ाने का भी, आपको पढ़ने का भी पता चले कि किस तरह होता है। ठीक है चले 11 बजे कर लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। ठीक है 11 बजे तक मुझे ये चार सवाल फिर आप लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं सारे के सारे, ठीक है? और इंशाल्लाह, और सब लोगों के लिए यही है कि आप लोग कल उसी के साथ 5 ईयर के क्वेश्चन शेयर करेंगे, ठीक है? और 5 ईयर का जो क्वेश्चन शेयर करेंगे उसमें याद रखिएगा जो जो सवालात आपको लग रहे हैं, जो आप करवाना चाहते हैं आप मुझसे या मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, वो अब आप निकाल के लाएं, ठीक है ना? तो फिर इसके बाद वाले सेक्शन में जो है जरा मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं अब, जिसके अंदर हम ज्यादा देखेंगे। तो अब आप लोगों को मेन काम करना है कि 5 ईयर के क्वेश्चन उठाने हैं, ठीक? तो ये 24वां सवाल तक, लेकिन बस प्रॉमिस ये है कि अभी आपने कहा कि चीटिंग कोई नहीं करनी है, और जैसे ही क्लास 15 सितंबर की डेट लिखा है इंशाल्लाह ताला, जैसी होता है तो पहली क्लास आप लोगों की हम रखेंगे, फिर आप सब यहाँ मौजूद होंगे, तो इंशाल्लाह ताला ज्यादा अच्छे तरह से मिलते हैं, ठीक है बेटा? तो आज का ये, कल हम 5 ईयर का सॉल्व करेंगे, कल याद से फिर कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह वक्त के बाद। अल्लाह हाफिज़।